बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं। यकीनन उसकी मदद के बगैर ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं हो सकता था। हम ये समझते हैं कि अल्लाह का हमेशा से ऐसे ही करम रहा, हर मर्तबा रिजल्ट पर हम इसी तरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम ये कह सकते हैं कि जो इस दफा का रिजल्ट है ये शायद राइज की हिस्ट्री का भी सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इतना करम किया कि यहाँ आप ही बच्चों में वो लोग खड़े हुए हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चार पेपर दिए चारों पास किए, तीन पेपर दिए तीनों पास किए, और खास तौर पे हमने क्लासेस में भी इसका जिक्र किया कि जो हमारे क्रैश बैच के बच्चे थे, जो आई कैप की रेगुलेशन की वजह से इंक्लूडिंग मैं और नवीद अंसारी साहब, हम भी उस वक्त कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करें। हमने बीओडी में बैठ के डिस्कशन की, हमारा भी दिल करता था कि यार इस दफा क्रैश बैच को रहने देते हैं। बीच में इलेक्शन भी थे, आई कैप की रेगुलेशन भी थी, इस सारे के बावजूद बहरहाल बच्चों ने कहा नहीं नहीं सर, हमारा तो जहन बना हुआ है, हमने क्रैश बैच देना। यानी इस दफा के क्रैश बैच का सेहरा हमारे से ज्यादा बच्चों के सर जाता है कि बच्चों ने जबरदस्ती डिमांड करके उसको कंडक्ट करवाया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने वो मिरेकल्स भी परफॉर्म किए कि अक्सर बच्चे, मोर देन 90% बच्चे जो हैं उन्होंने अपने दोनों पेपर क्वालिफाई किए। और उस सारे के अंदर जो सबसे बड़ा जादू परफॉर्म किया वो बच्चा हमारे सामने मौजूद है जिसने क्रैश बैच में चार पेपर पास किए। इस बच्चे के साथ हमने कल पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया और इसने माशाल्लाह चार पेपर क्वालिफाई किए क्रैश बैच के अंदर। और बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने ग्रुप ए पूरा क्वालिफाई किया, जिन्होंने ग्रुप बी पूरा क्वालिफाई किया। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे वो भी होंगे यकीनन जब ये वीडियो वायरल होंगी और बाहर जाएंगी, लोग भी सुन रहे होंगे। हम अपने तमाम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि देखें, सीए हमेशा राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने का काम है और करीज का काम है, हिम्मत का काम है। यानी हमारे जो राइज के रूटीन के बच्चे थे उनकी हिम्मत का और करीज का ये आलम था कि एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि क्रैश बैच नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों ने मजबूर कर दिया और हमें क्रैश बैच पढ़ाना पड़ गया। ऐसे ही वो तमाम बच्चे जो मई में अपीयर हो रहे हैं, इन बच्चों को लाजमी तौर पर क्रैश बैच ज्वाइन करना चाहिए। और हम चले ये तो नहीं कह सकते कि सारों को राइज में ज्वाइन करना चाहिए, आपको क्रैश बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां से आप पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ लें। लेकिन खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है, पूरे पाकिस्तान में राइज के क्रैश बैच की हमेशा से धूमे रही हैं और हमेशा अल्लाह ने चाह रही हैं। उसमें जो कमिटमेंट लेवल चाहिए होता है वहां क्रैश बैच के टाइम पे वो नवीद अंसारी साहब ही प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे वाले पेपर को तो सर वैसे ही पेपरी कह देते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं तो उसका क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन अंसारी साहब को उसका क्रेडिट जरूर जाता है, ठीक है ना। और ओवरऑल जो रिजल्ट रहा, पूरा पाकिस्तान परेशान था, पूरा पाकिस्तान के टीचर परेशान थे कॉस्ट के पेपर के बारे में, और कॉस्ट का पेपर और उसका राइज का रिजल्ट कैसा रहा वो आपकी क्लैपिंग बता देंगे कि कैसा रहा कॉस्ट। फिर इसी तरह हमें यंग ब्लड में से सजाद साहब ने ज्वाइन किया, इनके टैक्स का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे यहां मौजूद हैं जिन्होंने सर से और आप सबको सही टाइम पे सही एक एक बच्चे को फादर फिगर बन के मशवरा देना, उसकी घंटों बात सुनना, उसे सही कैरियर काउंसलिंग देना, इस सारे का क्रेडिट वकार अंसारी साहब के अलावा किसी को नहीं जा सकता, क्योंकि आप
में से बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि वो हर वक्त इनके गिर्द खड़े होते हैं। इसी तरह एमएसए के अंदर अदनान साहब और अशरफ रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी रिजल्ट बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा। तो हमारा पूरा कैफ का जो रिजल्ट था वो अल्लाह ताला की मौजूद से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दो अल्फाज जो हैं, और हाँ साहब जनाब आप भी पहुंच गए हैं और इन्हें कौन नहीं जानता और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी कॉस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट, जिन बच्चों ने पूरा पूरा ग्रुप मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवीद अंसारी साहब से कि वो भी बच्चों से जरा दो मिनट बात करें। मेरे से तो सुनते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक ऐसे ही दीन दुनिया की सारी कामयाबियां आपको अता फरमाए। दो तीन नसीहतें करना चाहूंगा, पढ़ाई की तो नसीहत करता रहता हूँ। एक तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी कोशिश करें कि झुक के चलने वाली हमारी पर्सनैलिटी हो, और कायनात में अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल के बाद जो कीमती तरीन हस्तियां हैं वो हमारे माँ बाप हैं। तो अपने माँ बाप के लिए आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी ये होगी कि इंशाल्लाह सीए में आए हैं, यहाँ लाहौर जैसे शहर में आए हैं, अपने लोकल टाउन को छोड़कर आए हैं। तो आपका कोई लम्हा इस सोच के बगैर ना हो कि मेरे पेरेंट्स की तरह मेरी ये जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी जब आप हर लम्हे अपनी क्वालिफिकेशन की फिक्र करेंगे और उसके लिए जितना हो सकेगा राइस, राइस की मैनेजमेंट, राइस के टीचर, मैं खुद और हमारा सारा स्टाफ आपके साथ होगा। इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करेंगे और रिजल्ट को मजीद इंप्रूव करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेगा। और मेरे वो बच्चे जो मई में अपियर हो रहे हैं, जैसे जाहिद भाई ने बात की, जरूरी नहीं है कि राइस में आप क्रैश बैच लें, जरूरी ये है कि अपने वक्त को बचाएं। और मैंने एक नारा मई में अपियर होने वाले बच्चों के लिए लगवाया था, अगर वो बच्चे वो नारा अगर बोल देंगे तो रिकॉर्डिंग में भी चला जाएगा। क्या नारा भाई? हाँ भाई, मई में अपियर करवाना है, एक साल बचाना है। तो कहीं से भी पढ़े, जैसे भी पढ़े, दिन रात एक करें, मई में शुरू करें, सितंबर में क्रैश के दो पेपर में अपियर हो, ताकि इंशाल्लाह शुरू वाले बच्चों के साथ ये आखिरी वाले बच्चे भी मिल जाएं और अपनी जिंदगी का एक कीमती साल बचाएं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों, बहुत शुक्रिया सर। जी सर अदनान, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल में सारी बातें मेरे दोस्तों ने कर दी, मेरी तरफ से बस मैं यही कहूँगा आप सबों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और एक चीज़ जो मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ, नवीद साहब ने भी इस पर तवज्जो दिलवाई, कि पढ़ाई में सीए में सबसे अहम चीज़ जो होती है दैट इज़ डिसिप्लिन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आते हैं, उसका मतलब समझ लें और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आएँ, तो सीए करना बहुत ही आसान अमल रह जाता है। ठीक है, आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलें बच्चे आप सब लोग अब एंजॉय करें जी, हम लोग चलते हैं ताकि ये लोग एंजॉय करें।